आपने एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी जैसे शब्द सुने होंगे, वेंटिलेटर भी सुना होगा जिसमें जीवन को बचाया जा सकता है और इसमें बैकअप दिया जाता है, लेकिन अब इक्स्मो एक मशीन आई है जिसके द्वारा भी अब जीवन बचाया जा रहा है। ये मेट्रो प्राइम बड़ेगा मेट्रो प्राइम अस्पताल है और यहाँ पर ये पूरी सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत हैं, स्पेशलिस्ट हैं, लगातार लोगों का जीवन ये बचा रहे हैं। अब इन्होंने एक बच्चे का जीवन बचाया है जो बिच्छू के डंक से पीड़ित होकर इनके पास पहुँचा था और जीवन बचा लिया है। काफ़ी बेहतर तकनीक है और इसमें स्पेशलिस्ट टीम लगती है। डॉक्टर साहब, स्पेशलिस्ट टीम लगती है इसमें, उसके बाद ये जीवन बच जाता है। ये मशीनरी के साथ है, अब जो तकनीक जो उपयोग हो रही है डॉक्टर लोग कर रहे हैं, काफ़ी बेहतर साबित हो रही है। हाँ भैया, इक्मो काफ़ी पुरानी तकनीक है, हिंदुस्तान में काफ़ी सालों से है, लेकिन हमारे छोटे शहरों में ये तकनीक अभी आई है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे लगता है कि हर जगह ये डेवलप होनी चाहिए, जिससे कि हर, क्योंकि इक्मो जब पेशेंट का हार्ट इतना ख़राब होता है कि 5% ख़राब है, कि दवाइयों पर मेंटेन भी नहीं कर रहा है, वेंटिलेटर पर भी उसका सांस नहीं आ रहा, उस पेशेंट को क्या आप दिल्ली और बॉम्बे भेज सकते हो? नहीं भेज सकते हो, वो जा ही नहीं सकता है। तो उस समय यदि ये तकनीक हमारे शहर में उपलब्ध होगी, हमारे शहर में वो टीम तैयार होगी, तो हम उस जिंदगी को बचाने में कामयाबी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और हम इस इक्मो पे लगातार काम कर रहे हैं। ईश्वर की दया से, हमारी टीम की मेहनत से अभी तक हमारा सक्सेस रेट 100% जी। काफ़ी मुश्किल होता है, जहर वाली केस काफ़ी मुश्किल होते हैं। बिच्छू का डंक तो कहा जाता है कि 5% ही असर करता, जहरीला होता है, और रेयर केस आते हैं इस मामले में। ये बच्चा जो नेपाल सिंह जिसके बारे में बात की जा रही है, ये भी बहुत छोटा था और इनका हार्ट लेवल उतना बेहतर नहीं होता है, बहुत कठिनाई हुई होगी आप लोगों को। मैं कामयाबी पाई, 7वें दिन बच्चे को वेंटिलेटर से निकालने में भी कामयाबी पाई। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम इतनी बड़ी सर्जरी कर रहे हैं या वेंटिलेटर पे 7-8 दिन रखा हुआ है, तो उन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करके हम लोग ने टैकल किया, सारी चीज़ें ठीक की। जब 11वें-12वें दिन बच्चा एकदम ठीक हो गया और छुट्टी की स्थिति बन गई उसकी कि अब हम इसको छुट्टी दे सकते हैं, तो फिर उसके फादर ने बोला कि हम बच्चे का जन्मदिन आज ही तारीख को मनाएंगे, आइंदा कभी भी। तो जब उसके मुंह से ऐसी बात सुनी हम लोगों ने, तो हमने कहा कि हम बच्चे का जन्मदिन मना के भेजेंगे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे बकाया था, उस बच्चे का जन्मदिन मनाया और उस जन्मदिन मनाने के बाद सेकेंड डे उस बच्चे की छुट्टी। अच्छा साहब, अब कोरोना काल में आपने इतने लोगों के जीवन सेव किए हैं, क्या जैसे कोरोना जैसे बीमारी होती है उसमें भी क्या इस मशीन का उपयोग किया जा सके, क्योंकि फेफड़े इफेक्ट होते हैं? जी, कोरोना में भी जब फेफड़े पूरे तरीके से इफेक्ट होते हैं, जहां बचने की उम्मीद नहीं होती है, उसमें भी इक्मो का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सही समय पे सही व्यक्ति को यदि हम इक्मो लगाएंगे तो बचाया जा सकता है। लेकिन इक्मो लगाने का बस एक ही शर्त है कि डिसीज़ रिवर्सिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की किडनी ख़राब है पूरे तरीके से और अब वो कोरोना से ग्रसित हो गया, या किसी को कैंसर है और अब वो कोरोना से ग्रसित हो गया। यंग पर्सन यदि है जो जिसका कोई और अंग खराब नहीं है, वो उसका यदि कोरोना से ग्रसित होकर सिर्फ लंग खराब हुआ है, वेंटिलेटर से भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो फिर इक्मो काम करेगा। अच्छा, ये काम करेगा, तो ये तकनीक अब हो गया। तो डॉक्टर साहब, ये टीम जो होती है बहुत स्पेशलिस्ट टीम होगी आप लोगों की जो ये पूरा लगाती है डॉक्टरों की, ये इस केस में कौन सी बड़ी टीम थी आपके पास? हमारे कार्डियोथोरेसिक सर्जन थे डॉक्टर सुदीप चौधरी, हमारे एनेस्थेटिस्ट थे डॉक्टर जैन, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर दिलीप तिवारी, हमारे रेस्पिरेटरी फिजिशियन थे डॉक्टर अरविंद जैन, और मैं इन सब को एक तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो हम लोग सब लोग मिलके ये काम कर रहे हैं। बड़े जैन का तो बड़ा योगदान है। हाँ, ऑफकोर्स, मतलब यदि वो हमको इक्मो ला के नहीं देते तो हम इक्मो लगाते कैसे हैं? तो उन्होंने हमें इक्मो प्रोवाइड कराया, जो कि काफ़ी महंगी मशीन है, पर वो महंगी मशीन उन्होंने हमें प्रोवाइड कराई और उस महंगी मशीन को हम लगातार उपयोग कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान। तो मेट्रो प्राइम अस्पताल है, ये बड़ी अच्छी मशीन उपलब्ध करा दी है जीवन बचाने के लिए, और डॉक्टर सचिन राजपूत तो लगातार इस जीवन रक्षा में जुटे ही रहते हैं। कैमरा पर्सन संदीप साथ, विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।
ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो फिर एकमात्र चारा था कि हम इकमो पे इस पेशेंट को ले लें। इकमो के बारे में मैं यदि आपने दोस्तों को बताऊं तो इकमो एक तरीके की मशीन है जहां पे एक ऑक्सीनेटर होता है और एक पंप होता है। तो पंप जो है वो हार्ट का काम करता है, ऑक्सीनेटर जो है वो लंग का काम करता है। तो जो जब लंग और हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हम शरीर से ब्लड को बाहर निकालते हैं, पंप करते हैं, ऑक्सीनेट करते हैं और वापस शरीर में दूसरे तरफ डाल देते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के दूसरे अंगों को ऑक्सीनेटेड ब्लड मिलता रहे और शरीर में जिंदगी का संचार ठीक से होता रहे। तो इस तरीके से हम उसके हार्ट को, लंग को 4 से 5 दिन का रेस्ट दे सकते हैं, और जब 4 से 5 दिन का रेस्ट मिलता है तो हार्ट और लंग वापस रिकवर करना शुरू कर देता है। और ऐसे रिवर्सिबल जहाँ की टॉक्सिन्स हैं या स्नैक बाइट है या फिर ये स्कॉर्पियन स्टिंग वाली चीज है या सल्फास पॉइजनिंग है या वायरल मायोकार्डाइटिस है, इस तरीके की चीज़ों में हम जहाँ रिवर्सिबल कॉज है हम उसको एक रेस्ट पीरियड दे सकते हैं, और भगवान यदि उस रेस्ट पीरियड में उसके हार्ट को वापस ठीक कर देता है तो हम उसकी ज़िंदगी वापस 50 साल हो सकती है। अभी डॉक्टर साहब लोग ये समझते थे कि जैसे व्यक्ति कोई वेंटिलेटर में चला गया तो कहा जाता था कि उसका फाइनल स्टेज बिल्कुल वेंटिलेटर में है और प्रार्थना शुरू हो जाती है, लेकिन आप लोग ने ये तकनीक जो निकाल ली है इसमें अब हार्ट को भी आप बैकअप दे रहे हैं, सभी चीज़ें पुनः चालू कर देते हैं, तो ये जो तकनीक आई है ये आप लोग के लिए जो सहूलियत होगी कि जीवन की जो ग्रोथ है वो बढ़ाया जा सकेगा। ग्रोथ जीवन का बढ़ाना नहीं बढ़ाना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर हमारा काम है हर चीज के साथ फाइट करना। ऐसी कोई चीज जो जिंदगी बचाई जा सकती है उस जिंदगी को बचाने के पूरे प्रयास करना, और रिवर्सिबल कॉजेज जहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती हैं उसके बाद उसको ज़िंदगी में दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी, इकमो उसमें एक बहुत बड़ी सहूलियत है। और जहाँ तक वेंटिलेटर की बात है भैया, वेंटिलेटर पे जाने के बावजूद भी पेशेंट काफ़ी अच्छे से ठीक होकर घर जाते हैं, ऐसा बोलना कि वेंटिलेटर पे जाने के बाद लोगों का लोकल शब्दावली हो जाती है कि वेंटिलेटर एक डरावनी चीज़ हो जाती है लोगों को, लेकिन वेंटिलेटर भी एक तरीके से लाइफ सेविंग मशीन है और इकमो वेंटिलेटर से एक कदम आगे है। तो ये बच्चा आप कैसा है और जन्मदिन वगैरह भी आप लोगों ने मिलकर इसका अस्पताल बनाया, एक खाली छा गई अस्पताल में भी एक जीवन जीवन है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।